जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से आया, हमारी माताओं और बहनों को नंगे घुमाया जा रहा है, दो समुदायों के बीच में आग लगा हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम करके यूक्रेन और रूस का लड़ाई और झगड़ा को फड़िया रहे हैं। लालत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, देश का एक प्रांत जल रहा है, हमारी मातृशक्ति पर ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और वो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, दो महीना में एक बार भी उन्होंने मुंह खोलने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ बर्बरता के बाद आज जेडीयू के छात्रों के द्वारा देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने के लिए लोग इनकम टैक्स पहुंचे हुए हैं। जेडीयू के बैनर तले देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला जलाने यहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी हो रही है। आप तस्वीरें देखिए कि देश जले तो जले, प्रधानमंत्री विदेश घूमे, जस्टिस फॉर मणिपुर, मणिपुर को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। और देखिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है लगातार। इस वक्त हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास मौजूद हैं और जेडीयू के जो लोग हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। किस तरीके से जो घटना हुई उसके बारे में? जिस प्रकार से हमारे देश का एक प्रांत है मणिपुर, और वहाँ पर जिस प्रकार से पिछले दो महीने से लगातार हिंसा हो रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके रूस और यूक्रेन में समझौता कराने का काम कर रहे हैं, और हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से जो आया, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से आया, हमारी माताओं और बहनों को नंगे घुमाया जा रहा है, दो समुदायों के बीच में आग लगा हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम करके यूक्रेन और रूस का लड़ाई और झगड़ा को फड़िया रहे हैं। मैंने लालत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, देश का एक प्रांत जल रहा है, हमारी मातृशक्ति पर ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और वो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, दो महीना में एक बार भी उन्होंने मुंह खोलने का काम नहीं किया। आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। देश प्रकार में जिस देश के अंदर में जिस प्रकार का माहौल है मणिपुर में, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें नंगे घुमाया जा रहा है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड और हमारे जो नौजवान साथी हैं आज इसका विरोध कर रहे हैं और मोदी जी और अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं कि अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमारे माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ हुई है उन्हें। दिव्यांशु भारद्वाज, प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड। देखिए प्रधानमंत्री जी को तकलीफ हो रही है, पिछले दो महीनों में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला है और विदेश में जाकर के लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मणिपुर की खबर आपको नहीं मिल रही है कि दो महीने में जाकर के आपको फुर्सत मिलता है मणिपुर पे दो शब्द बोलने के लिए? तो मैं प्रधानमंत्री जी जो लंबा लंबा सिर्फ भाषण देते हैं उस पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आज आपका देश आपसे नहीं संभल रहा, आप दुनिया संभालने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर के जनता के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर में हमारी माताओं बहनों के साथ हो रहे अत्याचार का जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद।